तबारक ने तमाम उम्मतों में सबसे आखिरी उम्मत, सबसे अफजल उम्मत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा किया। इनके अलावा अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान और इकराम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस रुबे ज़मीन पर बसने वाले लाखों अरबों खरबों और मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों में से हमें इस्लाम के लिए, मज़हब इस्लाम के लिए चुना। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये माह रबीउल अव्वल है, ये बहुत ही मुबारक महीना है, बहुत ही सआदत वाला महीना है। इसी महीने में सबसे आखिर नबी अल्लाह ताला के लाडले नबी, अल्लाह तबारक व ताला के सबसे ज़्यादा महबूब नबी, सबसे ज़्यादा महबूब, पूरी कायनात में सबसे अफजल, पूरी कायनात में सबसे लाडले, पूरी कायनात में सबसे महबूब, वो हाजी बरहम हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी माह में, इसी महीने में मबूस फरमाया। तो इस लिहाज से ये महीना बहुत ही बाबरकत, बहुत ही बासादत वाला महीना है। मेरे मतलब बुजुर्गों, दोस्तों, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत क्यों हुई, किस लिए हुई, इसके बारे में कुछ तफसील से मैं आपको बताऊंगा। मैंने अभी आप हजरात के सामने सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 45 और 46 की तिलावत की है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपको गवाही देने वाला, बशारत देने वाला और आज़ाब इलाही से डराने वाला बनाकर भेजा है। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही वसिराजन मुनीरा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला की इजाज़त से बुलाने वाला बनाकर भेजा है, और हमने आपको सिराज बनाया है, पूरे आलम के लिए आफ्ताब बनाया है, सिराज मुनीरा। सिराज के माना मुफस्सरीन ने यहाँ पर आफ्ताब यानी सूरज से की है। सूरह नूह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वजाल शम्स सिराजा, और अल्लाह तबारक व ताला ने सूरज को सिराज बनाया, चमकता हुआ सूरज बनाया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस बात की वजाहत के बाद कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कायनात के लिए आफ्ताब की हैसियत से बनाया, आफ्ताब का दर्जा दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरअसल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ का नतीजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया, जब खाने काबा की तामीर कर रहे थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो उस वक्त उन्होंने दुआ की थी कि इनमें से एक ऐसा रसूल भेजिए जो उन्हीं में से हो, जो उनको आपकी आयतें तिलावत करके सुनाए, और जो उनको किताब और हिकमत की बातें बताए, और उनके दिलों को साफ करे। बेशक आप जबरदस्त हिकमत वाले हैं। हजरत गुलामी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहसत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं का समरा और नतीजा। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया, किताब दे करके मबऊस फरमाया। दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों अरबों किताबें पढ़ी जाती हैं, लेकिन जो दर्जा
कुरान करीम का है, जो हैसियत जो मर्तबा कुरान करीम का है वो किसी और किताब को हासिल नहीं। दुनिया के अंदर लाखों किताबें पढ़ी जाती हैं, लेकिन ये किताब ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब है। इसके पढ़ने वाले पर, तिलावत करने वाले पर और उसके रुकूस को जानने वाले पर और उस पर अमल करने वाले पर तमाम को सवाब मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत करीमा के अंदर बैसत के तीन मकासद बयान किए। पहला मकसद है लोगों को अल्लाह की किताब यानी कुरान करीम तिलावत करके सुनाना, तिलावत करके बताना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई तो वो जुल्मत से वो जमाना भरा हुआ था, कुफ्र शिर्क और जलालत गुमराही से वो वक्त भरा हुआ था। ऐसी गुमराही और ऐसा शिर्क और ऐसी बिदअत दूसरे जमानों में नहीं थी। ऐसे माहौल में, बहुत ही खराब माहौल के अंदर, जो खराब माहौल चल रहा था, गुमराही और जलालत का माहौल चल रहा था, ऐसे वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की सरजमीन पर पैदा हुआ। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इस किताब के जरिए से आपने देखा कि दुनिया के अंदर बहुत से उलूम हैं। इस किताब से जो कुछ भी कुछ हासिल करता है, जो कोई तालीम हासिल करता है, जो दीन की तालीम हासिल करता है, उसके ख्यालात अलग होते हैं और जो इस इल्म से नावाकिफ है, इस इल्म को जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए, तो उनके ख्यालात और उनके अजहार बिल्कुल अलग हैं। जब मुसीबत आती है उस वक्त में मालूम होता है कि इसके अंदर क्या, इसके अंदर कितना इल्म है, इसके अंदर दीन से कितनी मोहब्बत है। कुरान करीम के अंदर सूरतुल फजर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, फामल इंसान इदा मबतलाहु रब्बुहु फअकरमहु वनअमा, कि जब इंसान को अल्लाह तबारक व तआला इकराम और एहसान के जरिए से नवाजते हैं, उसको खुशी देते हैं, तो वो क्या कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी इज्जत की, मेरा इकराम किया और खुदा खुदा खूब तारीफ होती है, या अल्लाह तेरा नाम लाख शुक्र है, या अल्लाह तू करीम जात है। وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ, और जब उसका रिस्क तंग कर दिया जाता है, रिस्क की तंगी के जरिए से उसको आजमाया जाता है, तो वो कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे साथ नाउज बिल्लाह जुल्म किया। मेरे मतलब बुजुर्ग और दोस्तों, इस नूरे हिदायत इसके अंदर कितना है, उनके पास उनके साथ जब हालात आते हैं तो मालूम हो जाता है। जब किसी के यहाँ किसी का इंतकाल होता है तो बाद लोग वो हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फैसले को कबूल करते हैं, और बाद लोग वो हैं अल आयाद बिल्ला, तो वो कहना शुरू करते हैं कि ये वक्त मुझे ही देखना था, अल आयाद बिल्ला ये मुसीबत हम पर ही टूटनी थी, अल आयाद बिल्ला ये जुल्म के पहाड़ हम पे ही टूटने थे, तरह तरह की बातें होती है। इसी किताब के जरिए से जिन लोगों ने हिदायत हासिल की उनके ख्यालात अलग हैं, और जिन लोगों को हिदायत नहीं मिली उनके ख्यालात अलग हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो पहला मकसद बयान किया, ये बयान किया कि वो अल्लाह की आयतों को तिलावत करके सुनाते हैं, ये
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का पहला मकसद कि अल्लाह की आयतों को पढ़कर करो, लोगों को बतलाना, लोगों को सुनाना। दूसरा मकसद है किताब और हिकमत, किताब और हिकमत की बातें लोगों को सुनाना। कुरान के क्या अहकाम है, कुरान के अहकाम को बतलाना, कुरान ने जिन चीजों से मना किया है उन ममनू चीजों को बतलाना, ये दरअसल का दूसरा मकसद है। पहला मकसद खुद कुरान करीम जो अल्लाह ताला की किताब है उसको कैसे पढ़ा जाए, किस अंदाज से पढ़ा जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए, इसके मखारिज क्या है, इसको किस अंदाज से तिलावत की जाए, ये पहला मकसद है। दूसरा मकसद उसके मानी, उसके रूस, ये दूसरा मकसद है कि कुरान करीम ने इन आयतों को किस मकसद के लिए बयान किया है, इस सूरत को किस मकसद के लिए उतारा है। तो मकासिद रुबूज बतलाना और उनके अहकाम बतलाना, उनके मानी समझाना, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरसत का दूसरा मकसद। तीसरा मकसद है वह यज़क्की, तीसरा मकसद है वह यज़क्की, लोगों के दिलों को साफ करना, गंदगी से साफ करना। एक गंदगी है जाहिरी गंदगी और एक गंदगी है बातनी गंदगी। जाहिरी गंदगी जिसको हम सब जानते हैं कि जाहिरी गंदगी क्या चीज है, बोलो बड़ा है, और बातनी गंदगी, बातनी गंदगी दिल के अंदर होती है और जाहिरी गंदगी हमारे बदन पर लगती है, हमारे जहां हम उठते बैठते हैं वहां पर वो गंदगी होती है। वो जाहिरी गंदगी जिसको हम देख सकते हैं, वो गंदगी जिसको हम देख सकते हैं वो जाहिरी गंदगी है जिससे हम सब वाकिफ हैं, और जो बातनी गंदगी है वो दिलों के अंदर जो गंदगी होती है, कुफर की गंदगी, शिर्क की गंदगी, बिदअत की गंदगी, इस्लाम के तरीके से हटकर अलग रसूमात वाली की गंदगी, ये गंदगी, तो इस गंदगी को साफ करने का वो यज़क्की है। तीसरा मकसद बातनी गंदगी को साफ करना। जब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरसत हुई उस वक्त दुनिया शिर्क ज़लालत और गुमराही में डूबी हुई थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकबूज फरमाया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रुए जमीन से उन गंदगियों को साफ किया, कुफर को साफ किया, शिर्क को साफ किया, ज़लालत को साफ की, गुमराही को साफ किया। ये बातनी गंदगी जो कुलूब के अंदर रचे हुए होते हैं, बसे हुए होते हैं, बातनी गंदगी, ये है तज़किया नफ्स, जो तज़किया नफ्स कहलाता है, नफ्स की गंदगी, दिल की गंदगी। तो ये तीन मकासिद मैंने मुख्तसरन बयान किए। पहला मकसद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरसत का कुरान करीम जो उन पर उतारा गया, किताब जो उन पर उतारी गई वो किताब लोगों को पढ़कर सुनाना, लोगों को उसका उसके पढ़ने का तरीका बतलाना। दूसरा मकसद उसके मानी और अहकाम और रुबूज बतलाना। तीसरा मकसद इस किताब के जरिए से लोगों के दिलों को साफ करना, लोगों के दिलों से गुमराही को निकालना, लोगों के दिलों से कुफर को निकालना, और ये बदरजे अतम तरीके से जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी सांस तक को किया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई तो उससे पहले जितने भी अभियान थे, जितने भी मजाहिब थे,
तमाम के तमाम बातिल हो गए। अब बातिल क्या हो गया, अब उसकी जरूरत नहीं रही। मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों को रोशनी बना के भेजा है, जितने भी कमोबेश 7 लाख अम्बे-ए-करम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, तमाम को रोशनी बनाकर भेजा है। रोशनी की हैसियत अलग रही। मिसाल के तौर पर एक लैंप की रोशनी है, एक लालटेन की रोशनी है, एक मोमबत्ती की रोशनी है, एक चराग की रोशनी है, एक लेबर लाइट की रोशनी है, एक मरकरी की रोशनी है, एक बल्ब की रोशनी है। तो रोशनी है सब रोशनी, लेकिन सबकी कैटेगरी और सबके अंदर जो कैपेसिटी है रोशनी पहुंचाने की अलग अलग है। मोमबत्ती की रोशनी से ज्यादा दूर तक नहीं देख सकते, और एक घर में अगर मरकरी जल रही है तो उस घर की मरकरी से, उस घर के बल्ब से दूसरे के घर में जो तारीकी है वो तारीकी नहीं मिल सकती, वहां के लिए एक अलग बल्ब की जरूरत है। हिंदुस्तान के अंदर जितनी लाइटें हैं ये दूसरे मुल्क के लिए ये काफी नहीं हो सकती, वहां के लिए अलग लाइट चाहिए। मेरे महतर बुजुर्ग और दोस्तों, अंबिया इकराम आलम सलातो व सलाम की बैसत हुई किसी नबी की बैसत हुई किसी खत्ते के लिए, किसी कौम के लिए महबूब और मुतायन, महबूब महबूब आराजी के लिए, महबूब जमीन तक, बस वहां तक उनकी नबूवत है। लेकिन जब आखिर नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात के लिए रोशनी बनाया, पूरी कायनात के लिए रोशनी बनाया। जिस तरीके से सितारे की रोशनी, बड़े सितारे की रोशनी, छोटे सितारे की रोशनी, रातों के अंदर सभी रोशनियां मौजूद है, घरों के अंदर रोशनी है, मोमबत्ती की रोशनी है, चराग की रोशनी है, बल्ब की रोशनी है, लेकिन जब सूरज निकलता है तो न चांद की रोशनी की जरूरत है, न सितारों की रोशनी की जरूरत है, और न ही चराग की रोशनी की जरूरत है, किसी रोशनी की जरूरत नहीं पड़ी। क्या आपने देखा सूरज निकला हुआ है और कोई साहब मोमबत्ती लेकर के चल रहे हैं कि मैं इसके जरिए से मैं रास्ता देखूंगा, जबकि सूरज निकला हुआ है? अगर ऐसा कोई करेगा तो वहां बेवकूफ कहलाएगा। भाई सूरज की रोशनी के सामने इस मोमबत्ती की रोशनी की क्या जरूरत है कि मैं इस मोमबत्ती की रोशनी में जाने मस्जिद जा रहा हूं दिन की रोशनी में? तो जब सूरज जब निकलता है तो फिर किसी रोशनी की जरूरत नहीं होती, सब रोशनी मान पड़ जाती है, अब किसी रोशनी की कोई जरूरत नहीं रही। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब आखिर नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया तो ऐसी रोशनी के साथ मबऊस फरमाया, ऐसी रोशनी के साथ कि फिर अब किसी रोशनी की कोई जरूरत नहीं। माकान मुहम्मद रबा अहदिन रिजालिम वलाकिन रसूलुल्लाह वखातमन नबी, आखिरी नबी बनाकर भेजा, अब किसी नबी की कोई जरूरत नहीं। मोहर लगे हुए नबी, आखिरी नबी, अब जितने मजाहिब थे, जितने अभियान थे, सब मान पड़ गए। उन रोशनियों को उस वक्त जरूरत थी जब आफ्ताब आलम दुनिया के अंदर मबऊस नहीं हुए थे, जब आफ्ताब आलम दुनिया के अंदर मबऊस हो गए तो फिर किसी रोशनी की, किसी अदना किसी आला रोशनी की कोई जरूरत नहीं रही। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत, जिस बरकत से तमाम जहान में रोशनी फैल गई। आपने वाकयात में सुना, आपने किताबों में पढ़ा कि रफ्ता रफ्ता
पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का बोलबाला हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही सारे आलम के अंदर हिदायत की रोशनी पहुंच गई थी। हज्जत अल वदा के मौके पर तो असहाब की जो तादाद थी असहाब रसूल की वो तकरीबन 7 लाख थी। कम मुद्दत में 23 साल की मुद्दत में, सिर्फ 23 साल की मुद्दत में इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि पूरी तारीख में ना ऐसा कारनामा किसी ने अंजाम दिया और न कयामत तक किसी से यह अंजाम हो सकता है। सिर्फ 23 साल की मुद्दत में पूरी दुनिया के अंदर, पूरे आलम के अंदर, पूरी कायनात के अंदर हिदायत और हिदायत की रोशनी चमका दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा और अल्लाह के बारे में बताना का एहसान कि बहुत ही कम मुद्दत में पूरी दुनिया के अंदर हिदायत की रोशनी चमकी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इन तमाम के बावजूद अगर कोई इस आफताबे आलम के प्रसंग के बाद भी अगर कोई नबुवत का कोई दावा करता है, अगर कोई नबुवत का दावेदार है तो वो झूठा है, कज़्ज़ाब है, लाइन है, मरबूत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, जिल नंबर 2 सफा नंबर 45, सयकून फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून मेरे बाद 30 ऐसे कज़्ज़ाब, 30 अल्लाह के रसूल ने उनकी तादाद 30 बतलाई कि 30 ऐसे अफराद होंगे जो नबूवत का दावा करेंगे। सलासून कज़्ज़ाबून, 30 लोग नबूवत के दावेदार होंगे, वो झूठे होंगे, कज़्ज़ाब होंगे, वो अपने आप को गुमान करेगा कि वो नबी है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाना खातमुन नबीयीन ला नबिय्या बादी, लेकिन मैं आखिरी नबी हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। क्यों नबी नहीं आएगा? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिराजम मुनीरा बनाकर भेजा अपने रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जब सिराजम मुनीरा बना दिया तो फिर अब किसी रोशनी की जरूरत नहीं। आफताब आलम बनाया, अब किसी रोशनी की जरूरत नहीं, अब किसी नबूवत की जरूरत नहीं, किसी नबी की जरूरत नहीं, किसी रसूल की जरूरत नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तो ये माहे रबीउल अव्वल जिसमें हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तक हुई, हम दिगर तारीखों में रिलज कर रह जाते हैं, लेकिन दस्तक का जो मकसद है उस मकसद को हम नहीं मानते। वो मकसद क्या है? अपने ईमान को मजबूत करना किताबुल्लाह के साथ, अपने ईमान को मजबूत करना सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस मकसद के लिए अपने नबी पर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया, वो मकासिद, तमाम मकासिद में से जो असल जो मकासिद है वो 3 है, बाकी जितने मकासिद है वो सब इन्हीं के अंदर है। जो असल मकासिद है वो 3 है, वो क्या है? वो है तिलावत किताब, कुरान करीम की तिलावत, कुरान करीम की तिलावत। दूसरा मकसद है अहकाम किताब, किताब के अहकाम। और तीसरा मकसद है तज़किये नुफूस। ये कुरान जिसको हम और आप जानते हैं, जिसको हम और आप पढ़ते हैं, इसको सिर्फ सरसरी अंदाज से पढ़ने पर भी सवाब मिलता है,
और उसका अहकाम और मानी को पढ़ने में भी सवाब मिलता है और उस पर अमल करने वाले को भी सवाब मिलता है। ये इसी किताब अल्लाह तबारक व तआला ने उतारी कि अगर कोई ना समझे सिर्फ इसको सरसरी अंदाज से पढ़े उसको भी सवाब मिलता है। अजीब किताब अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को तोहफे में दी है कि जो मानी नहीं समझता, जो उसके रुमूज को नहीं समझता, अगर उसके पास भी अगर कुरान करीम की तिलावत की जाए तो उसका दिल नरम हो जाता है, उसका दिल नरम हो जाता है। कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी कशिश रखी है।